हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित सिंह एंड आई यू आर वाचिंग माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बेटर फॉर एसएससी। दोस्तों आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो मैं बताऊंगा कि राष्ट्रपति को जो महाभियोग लगाया जाता है वो कैसे लगाया जाता है और राष्ट्रपति को कैसे उसके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों राष्ट्रपति का अपन महाभियोग कैसे लगता है, देखिए हमारा जो संसद है, समझिए पहले हमारा जो संसद है इसको तीन पार्ट में पढ़ते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति, राष्ट्रपति भी संसद का अभिन्न अंग होता है और लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, संसद के तीन अभिन्न अंग होते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति को अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना है, ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति को अगर महाभियोग प्रक्रिया लगानी है राष्ट्रपति पर, महाभियोग का मतलब है राष्ट्रपति को उसके पद से हटा देना। ठीक है, साफ शब्दों में जैसे दो सदन है और राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना है, तो मान लीजिए सपोज है राज्यपाल राज्यसभा है, ठीक है, राज्यसभा अगर हटाना चाहता है राष्ट्रपति को तो वो क्या करेगा, 14 दिन पहले, प्रक्रिया ये है कि 14 दिन पहले लिखित पत्र आपको राष्ट्रपति के पास भेजना है। ठीक है, राष्ट्रपति के पास 14 दिन पहले लिखित पत्र भेजना है और 1/3 संपूर्ण सदस्यों जो राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं पूरे मेंबर्स में से 1/3 सदस्य क्या होना चाहिए, उसके साइन होना चाहिए। ठीक है, सिग्नेचर होना चाहिए 1/3 सदस्यों का, उस पर सिग्नेचर होना चाहिए। अगर सिग्नेचर है 1/3 सदस्य फिर क्या होता है दोस्तों, पूरे सदस्य 2/3 सदस्य का क्या होना चाहिए, बहुमत होना चाहिए, बहुमत होना चाहिए। इससे समझे क्या है कि मतलब आप 2/3 सदस्य मानते हैं कि हाँ भाई राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया लगाकर हटा देना चाहिए क्योंकि राष्ट्रपति अपना कार्य सही से नहीं कर रहा है। ठीक है, तो वो इस पे बहुमत होना चाहिए, ये तो राज्यसभा की बात है। तो राज्यसभा फिर भाई लोकसभा से भी, लोकसभा का कार्य लोकसभा के पास बताता है लोकसभा को, तो लोकसभा क्या करता है, तो वो भी भाई चर्चा करता है, उसमें पूरी प्रक्रिया करता है और लोकसभा के मेंबर्स भी, अगर लोकसभा के मेंबर्स भी 2/3 मेंबर्स इस पे बहुमत दे देते हैं, अगर बहुमत हो जाता है लोकसभा से भी, अगर 2/3 में 2/3 मेंबर्स अगर लोकसभा में भी बहुमत दे देते हैं तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लग जाती है और राष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया जाता है। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस है और ठीक है, अगर अच्छा लगा हो आपको तो प्लीज लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक कर देना और वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कर देना। थैंक यू और नेक्स्ट वीडियो जल्दी।